सात बज गए? अरे उठ जाओ, सात बज गए। मैंने पूछा उठ जाओ यार, ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। अरे मुझे नहीं जाना ऑफिस। ऑफिस? अरे पागल, मुझे जाना है। उठो ब्रेकफास्ट बना दो। तुम खुद ही बना लो। क्या मैं बना लूं? हाँ, मेरा मन नहीं आज उठने का। वाइफ तुम हो या मैं? तुम। पूजा मजाक मत करो, उठो और ब्रेकफास्ट बना दो। मैंने कहा ना नहीं बनाऊंगी। तो मैं भूखा ऑफिस जाऊं? बाहर से कुछ खा लेना। हाँ ये ठीक है, मैं बाहर से ही खा लूंगा। ये क्या कह दिया मैंने? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बेबी को ब्रेकफास्ट चाहिए? नहीं, बेबी बाहर से कुछ खा लेगा। नहीं, बेबी बाहर से नहीं खाएगा। जब बेबी को ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा तो बेबी बाहर से ही खाएगा ना? मैं अभी तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। पागल। चल भाई चले। एक मिनट भाई। चल यार ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं। बस एक मिनट भाई। तू कर क्या रहा है भाई? तुझे तो पता है यार, सैलरी से घर के खर्चे नहीं चल पाते, इसलिए एक्स्ट्रा इनकम के लिए विनोमो ऐप पे ट्रेडिंग कर रहा हूँ। विनोमो ऐप? ये क्या है भाई? देख, विनोमो एक अमेजिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो ISO एंड्रॉइड दोनों पे अवेलेबल है। यहाँ पे तुम अलग अलग एसेट पे जाकर ट्रेड कर सकते हो, गोल्ड, फॉरेन करेंसी लाइक US डॉलर एंड यूरोस। अच्छा, इसमें करना क्या होता है भाई? सिंपल है, इस प्लेटफॉर्म में सबसे पहले आपको एसेट सेलेक्ट करना होगा, फिर प्रेडिक्ट करना होगा फोरकास्ट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। सही है यार। रुक, मैं तुझे एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। जैसे देख, मैंने यहाँ 700 रुपये ट्रेड ऐप में लगाया, अब देखते हैं मेरा फोरकास्ट क्या बनता है। ये देख मेरा फोरकास्ट सही निकला। अब तू अपना अमाउंट बैंक या पेटीएम द्वारा विड्रॉ कर सकता है 24 आवर में। बट ध्यान रहे, तुझे लॉस भी हो सकता है, तो ध्यान से। ठीक है भाई। और एक और बात, यहाँ पे तू मिनिमम 350 रुपये से ट्रेड स्टार्ट कर सकता है, और मेरा प्रोमो कोड यूज करेगा तो तुझे 350 का डबल यानी कि 700 रुपये मिलेगा। अरे वाह यार, ये तो बहुत बढ़िया है। हाँ भाई, तो इंतजार किस बात का? अभी डाउनलोड कर विनोमो ऐप, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अगर तुम्हें डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करेगा ना तो तुझे डेमो अकाउंट में 65,000 रुपये मिलेगा ट्रेनिंग के लिए, तो अभी डाउनलोड कर। हाँ यार, अभी डाउनलोड करता हूँ। तो चले अब। हाँ चल भाई। क्या हुआ? कुछ नहीं। नहीं, कुछ तो हुआ है। अरे कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। भाई तेरा दोस्त हूँ और तेरा चेहरा बता रहा है कुछ तो हुआ है। वही यार, वाइफ मेरी आज फिर से मारा क्या भाभी ने तुझे? अच्छा अब क्या हुआ बताएगा अभी? वही यार, हमेशा का ड्रामा। यार इतना तो रोज मेरे साथ भी होता है, मुझे देख कितना खुश हूँ। तेरी नई नई शादी हुई है ना, इसलिए तू खुश है। 2 साल बाद देखियो, तू भी मेरी तरह मुंह लटका के चल रहा होगा। भाई भाई ऐसे मत बोल यार, मुझसे तेरा लटका हुआ मुंह नहीं देखा जा रहा, मैं अपना कैसे देखूंगा? देखा, 2 साल बाद का सोच के तुझे डर लग रहा है, तो सोच मेरा क्या हाल हो रहा होगा। छोड़ ना यार, इतना चलता है, प्यार मोहब्बत से रह। प्यार मोहब्बत ना शादी से पहले अच्छे लगते हैं। अरे तो इतना क्यों सोच रहा है यार, चला सुट्टा फूकते हैं। हाँ भाई, बस यही तो एक प्यार रह गया जो अभी तक नहीं बदला। चल। भाई चले अब। अच्छा और रुस्तम तू आ गया? अरे भाई टाइम हो गया इसलिए तो आ गया। हाँ ये फाइल देखते हैं। क्या तू क्या कह रहा है? मैं तुझे ये फाइल देखने को कह रहा हूँ। क्या यार, तू हर टाइम ये फाइलों में घुसा रहता है। भाई काम भी तो जरूरी है ना। अरे यार काम छोड़, जल्दी से खाना खाते हैं, आज मैं लंच लेकर आया हूँ। ओहो तो ये बात है, आज खुद का लंच लाया है इसलिए खाने की जल्दी है। हाँ यार तुझे तो पता है यार, मेरी वाइफ हर रोज खाना बना के नहीं देती, जबकि उसको पता है कि उसके हाथ का खाना मुझे कितना पसंद है। भाई भाभी को ना बच्चों को सुबह सुबह स्कूल छोड़ के आना होता है, इसलिए वो तुझे खाना बना के नहीं देती।
सब बहाने हैं भाई, बच्चों को तो बना के दे देती है लेकिन मुझे बना के नहीं देती। अरे भाई बच्चों और तुझमें फर्क है ना, वैसे ही तेरे और बच्चों के खाने में भी फर्क है। अब तू ज्यादा ज्ञान मत दे, चल के खाना खाते हैं। चल कैंटीन चल रहे। तू लंच लेकर नहीं आया क्या? नहीं। क्यों, तेरे भी वाइफ के साथ कोई पंगा हुआ है? हाँ यार हुआ तो था लेकिन। देखा भाई कुछ भी होता है ना तो वाइफ सारा गुस्सा खाने पे ही निकालती है। अरे यार मेरी पूरी बात तो सुन, मैं खाना इसलिए नहीं लाया क्योंकि क्योंकि इनका खाना मैं लेकर आई हूँ। पूजा तुम यहाँ क्यों नहीं आ सकती? क्या आ सकती हो, पर क्या लंच लाई हूँ तुम्हारा, लो पकड़ो। थैंक यू। तेरा भी सही है भाई, भाभी खुद लंच लेकर आई है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस शॉपिंग जा रही थी तो सोचा इन्हें लंच देती जाऊं। अच्छा तो तुम शॉपिंग के बहाने मुझे लंच देने आई हो, वाओ। जी नहीं, मैं लंच के बहाने शॉपिंग करने जा रही हूँ। चलो लाओ पैसे दो कुछ। अभी मेरे पास कुछ पैसे नहीं है। अच्छा तो ठीक है फिर, खाने के लिए लंच भी नहीं है। अरे लंच क्यों वापस ले रही हो? मेरी मर्जी। पूजा यार भूख लग रही है, लंच दे दो। अच्छा अगर मैं लंच नहीं लाती तो क्या करते, कैसे खाते? कैंटीन से खा लेता कुछ, या फिर रुस्तम के साथ शेयर कर लेता उसका खाना। मैं नहीं देने वाला कुछ भी, इतने दिनों बाद मेरी वाइफ ने अपने हाथों से खाना बना के दिया है। देखा कितना पसंद है इन्हें अपनी वाइफ के हाथ का खाना, और एक तुम हो, कोई इज्जत ही नहीं है मेरे खाने की। अरे इज्जत है तभी तो मांग रहा हूँ ना। इज्जत नहीं भूख है तुम्हें, सब समझती हूँ मैं। लंच दे दो, बाहर जाके खाने के लिए पैसे है तुम्हारे पास लेकिन मेरी शॉपिंग के लिए नहीं है। भाई मैं खाना खा के आता हूँ। बेबी को शॉपिंग करनी है। बेबी को किसी से बात नहीं करनी। अगर बेबी को पैसे मिलेंगे तभी बेबी किसी से बात नहीं करेगी। अगर बेबी प्यार से आई लव यू बोलेगा तो कर लेगी। आई लव यू। बेबी को बोलो और प्यार से बोले। आई लव यू। थोड़ा और प्यार से। आई लव यू। पागल दीवाना मैं, आशिक मैं, मजनू मैं, राजा मैं, सब कुछ तेरा। तू जन्नत में खाएगी, रब ना मिलाएगी, दिल में नुकेंदा मेरा। मैं सजदे करांगा, इरादा नहीं सी, रब ते यकीन मैनू ज्यादा नहीं सी। तेरे नाल जुड़िया मैं, रब नाल जुड़ गया, ओ तेरा चेहरा जद मेरे बल मुड़ गया। अबे क्या हुआ, तू हंस क्यों रहा है? तू आज पूरे दिन ऑफिस में भूखा था ना? क्या बेटा, शादी का नाम ना सिर्फ सुनने में ही अच्छा लगता है, जब होती है ना तब पता चलता है। अबे तू पागल हो गया, पूजा मुझे खाना देके गई थी। क्या बकवास कर रहा है, मैंने खुद देखा था, मेरे सामने उसने तेरे से खाना वापस ले लिया था। भाई बीवी है वो मेरी, मैंने मना लिया था उसे। बेटा नई नई शादी है ना इसलिए मान जा रही है, थोड़ा रुक जा फिर पता लगेगा बीवी को मनाना कितना मुश्किल होता है। तो एक बात बता, तू हमेशा शादी की इतनी बुराई क्यों करता है? क्योंकि भाई मैं परेशान हो चुका हूँ, एक ही चेहरे से, एक ही मुंह से रोज वही बात सुन सुन के, तुम मुझे प्यार नहीं करते, तुम मुझे प्यार नहीं करते, भाई परेशान हो चुका हूँ यार। भाई ऐसा कैसे हो सकता है, तू हमारी क्लास का लव गुरु था और आज तेरी बीवी को तेरा प्यार कम लग रहा है? हाँ भाई मैं उसे बोरिंग लगता हूँ। राघव। हाँ आ रहा हूँ। ले भाई आ गया तेरा भी बुलावा। भाई शादी के बाद यही होता है, इंसान दो मिनट दोस्त के साथ खड़ा भी नहीं हो सकता। अबे पिछले दो घंटे से एक साथ ही तो खड़े हैं हम। दो घंटे हो गए। ले मेरा नहीं तेरा बुलावा है, अब तू जाएगा घर या तुझे छोड़ के आऊं। इतनी भी नहीं चढ़ी है भाई, चला जाऊंगा मैं। अबे आराम से। और कुछ है तुम्हारे पास बोलने के लिए? 15 मिनट से ऐसे ही खड़े हो, इससे तो अच्छा होता तुम उठक बैठक कर लेते। ठीक है वो भी कर लेता हूँ।
बस रहने दो, कोई जरूरत नहीं है। तो फिर और कितनी देर ऐसे कान पड़े खड़ा रहना पड़ेगा? अब तुम्हें कान पकड़ के खड़े होने में प्रॉब्लम हो रही है। सॉरी, खड़ा रहता हूँ चुपचाप। ठीक है, हो गया। क्या कुछ कहा तुमने? हो गया, अब हाथ नीचे कर लो। थैंक यू। नहीं 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 नहीं, दूर रहो मुझसे, शराब की बदबू आ रही है तुम में से। क्या? पर मुझे तुम्हें हक करना है। अब कल करना, अभी तो नहीं होने वाला। पर मुझे अभी हक करना है तुम्हें। पर मुझे अभी नहीं करना। शराबी कहेंगे। यार पूजा, शराबी मत बोलो, इतनी सी तो पी थी, उतने में तूने नीचे बुला लिया मुझे। मैंने नहीं बुलाया था, रुस्तम की वाइफ ने बुलाया था। हाँ तो अकेले पीने में मजा थोड़ी आता, इसलिए मैं भी नीचे आ गया। अच्छा हुआ तुम आ गए, मैंने देखा था रुस्तम को कैसे हिलते हुए जा रहा था। अगर तुम ऐसे आते ना तो तुम्हारी टांगे तोड़ देती मैं। अच्छा, तुम मेरी टांगे तोड़ देती? हाँ तोड़ देती। मुझे संभालती नहीं, अगर मैं गिरता तो? देखो तुम अब टॉपिक चेंज मत करो। संभालती की नहीं? हाँ संभाल लेती। सच्ची? सच्ची। इतना प्यार हमेशा से? तो फिर गुस्सा क्यों? गुस्सा नहीं, फिकर। इतनी फिकर? हमेशा से। आई लव यू। आई लव यू। इस कदर तुमसे हमें प्यार हो गया, हद से ज्यादा। दूर हटो, बदबू आ रही है तुमसे शराब की। क्या यार पूजा, बदबूदार इंसान। तुमने मुझे बदबूदार बोला? वो तो तुम हो ही। चले पहलू में हर दम बैठे रहे, डूब रहे तेरी आँखों में। इस कदर तुमसे हमें प्यार हो गया, हद से ज्यादा, हद से पार हो गया, हद से ज्यादा, हद से पार हो गया। आठ बजने वाले? पूजा, पूजा यार उठो यार, आठ बजने वाले। पूजा! अरे क्या है यार तुम्हारा रोज रोज का? यार पूजा उठो, ब्रेकफास्ट बना के दो। नहीं जाओ, मैं नहीं दे रही कुछ भी बना के। यार पूजा आज बहुत लेट हो गया है, बाहर भी खाने का टाइम नहीं मिलेगा, उठो। हद हो गए यार। यार चलो जल्दी उठो, जल्दी जल्दी उठो, जल्दी बनाओ, चलो चलो जल्दी चलो। जाके देखना कौन है। तुम देखो, मैं नाश्ता बना रही हूँ, पूरा घर भी फैला हुआ है, ये भी साफ करना है। ठीक है। रुस्तम तो यहाँ सुबह सुबह? 8 बज रहे भाई। हाँ मतलब ठीक है, पर तू आज ऑफिस नहीं जा रहा क्या? नहीं, मन नहीं है। क्यों, फिर से कुछ हुआ है क्या? कौन है राघव? अरे रुस्तम तुम बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ ना। तुझे क्या जरूरत थी भाभी से लड़ाई करने की? शांति से सो जाता, इतनी भी नहीं पी रखी थी तूने। मैं तंग आ गया था भाई, रोज की उसकी किटपीट किटपीट, रोज की वही बातें, इसलिए आगे मुझे गुस्सा और मार दिया 2 चाटे। लेकिन आपको चाटे मारने की क्या जरूरत थी, आप हमें बुला लेते।
मैं आया था तुम्हारे घर पे तुम्हें बुलाने, लेकिन तुम दोनों खुद ही लड़ रहे थे। अरे यार ये जो तेरी प्रॉब्लम है, तेरा नजरिया ही गलत है भाई। क्या बकवास कर रहे तू? हाँ तुम दोनों आपस में लड़ रहे थे, मैं बीच में आके ये बोलता पहले मेरी लड़ाई सॉल्व कराओ। रुस्तम भाई हम लड़ नहीं रहे थे। हाँ आप जो सोच रहे हो वो गलत है। मुझे पता है यार, मेरे घर पे भी हर दो दिन पे ऐसे सामान बिखरा होता जमीन पर, पूरी ताकत से फेंक के मारती हो मुझे, परेशान हो गया हूँ भाई परेशान। इसलिए बस मैंने सोच लिया है अब मैं उसे डिवोर्स दे दूंगा। रुस्तम आप शांत हो जाओ, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। भाई ये सब तो होता रहता है यार, तू डिवोर्स की बात मत कर। तुझे पता है ना तेरे साथ क्या हुआ था, शॉपिंग के चक्कर में तेरे को लंच भी नहीं दिया था, इससे भी बुरा हाल है मेरा। मैं कभी कभी लंच ही नहीं इसलिए नहीं देती हूँ ताकि दिन में एक और बार इनसे मिलने का मुझे मौका मिल जाए। ये सब बहाने। क्या बात कर रहा है यार, और मुझे भी अच्छा लगता है जब पूजा लंच लेके मिलने ऑफिस आती है। चल मान ली मैंने तेरी बात, लेकिन मेरी बीबी को ऐसा कोई शौक ही नहीं है। टाइम के साथ सब चेंज होते हैं। सुन रहा है ना तू, तेरी वाइफ कह रही है टाइम के साथ सब चेंज होते हैं। अरे यार वो टाइम चेंज होने की बात कर रही है रुस्तम, खुद चेंज होने की नहीं। हाँ मुझे भी लगता है कि आप लोग टाइम को नहीं समझ पा रहे हो। हाँ तेरे बच्चे हैं अब, आपकी फैमिली है, तेरी वाइफ उन सबको देखती है। हाँ और आपको भी उसे उसी नजर से देखना चाहिए जिस तरीके से वो है। हाँ और रुस्तम तू हमेशा शादी को कोसता है ना, पर भाई शादी के बाद कुछ चेंज नहीं होता अगर आप लोग एक दूसरे को समझते हैं तो, और एक दूसरे को अपनी बातें समझाते हैं तो। मैं मानता हूँ कि मेरी और पूजा की लड़ाई होती है, पर हम लोग उसे लड़ाई नहीं मानते, एक प्यारी सी नोकझोंक मानते हैं। सब कुछ आप दोनों पे ही डिपेंड करता है कि तुम अपने बीच होने वाली चीजों को कैसे एक्सेप्ट करते हो, कैसे मैनेज करते हो। और तुझे क्या लगता है ये सामान हमारी लड़ाई की वजह से बिखरा हुआ है? नहीं, ये भी हमारी प्यारी नोकझोंक का एक छोटा सा नमूना है। रुस्तम राघव भी मुझसे नाराज होकर घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन पता नहीं बाहर निकलते उनका गुस्सा गुमसा हो जाता है। हाँ मुझे ही पूजा की लेट उठने की आदत बिल्कुल पसंद नहीं है, पर हम दोनों ही इस बात को अच्छे से समझते हैं क्योंकि पूजा की खुशी में मेरी खुशी है। हाँ और आपको भी ये बात समझनी पड़ेगी, शादी के बाद लोग नहीं हालात चेंज होते हैं, और जो लोग हालात के साथ खुद को और अपने साथी को समझ लेते हैं वही अपने और अपने पार्टनर के लिए अपनी लाइफ को बेटर बनाते हैं, और सारी गलतियाँ उसकी नहीं होती रुस्तम, कुछ गलतियाँ तू भी करता होगा। आपको पता है आप जब भी यहाँ ड्रिंक करने आते हैं तो आपकी वाइफ आपको बुलाने आती है, क्यों? क्योंकि उसे अब भी आपकी फिक्र है और आपको लगता है कि वो आपको परेशान कर रही है। और भाई वो तुझे लंच बना के इसलिए नहीं देती है क्योंकि तू जिन बच्चों से प्यार करता है वो उनका लंच बनाती है। हाँ और आप ही के मम्मी पापा को उनकी चाय टाइम पे देती है। और दोपहर में खाना लेके इसलिए नहीं आती क्योंकि फिर वो उन बच्चों को स्कूल से लेने जाती है। और जब आगे चल के हमारे ही बच्चे होंगे तो शायद मैं भी यही करूंगी। पर हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं तो शायद हमारे बीच ऐसा कभी कुछ ना हो। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ तू बस अपना नजरिया बदल, टाइम खुद बदल जाएगा, फिर तू तेरी वाइफ दोनों खुश रहोगे। तू सही कह रहा है यार, हो सकता है मैं ही ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ। मैं कल से क्या, मैं आज से और अभी से सब कुछ पहले जैसा करने की कोशिश करूंगा। ये हुई ना बात। ऑल द बेस्ट। थैंक यू यार तुम दोनों को। चल फिर मैं चलता हूँ, काफी टाइम हो गया यार। पूजा। हाँ क्या शादी है कुछ सालों बाद हम भी ऐसे ही लड़ेंगे? हाँ हो सकता है, टाइम का कुछ पता नहीं। तो फिर तुमने रुस्तम को इतना भाषण क्यों दिया? क्योंकि दो प्यार करने वाले हमेशा साथ में ही अच्छे लगते हैं।
और तुमने क्यों दिया इतना भाषण? क्यों, प्यार करने वाले सिर्फ तुम्हें अच्छे लग सकते हैं। तुम तो मुझसे नहीं लड़ोगे ना? देख लो, तुम्हें रोज लंच बना के देना होगा। मैं अभी तुम्हें इसलिए तो लंच नहीं देती हूँ ताकि तुम्हें आदत हो जाए बिना लंच के जाने की। क्या सच में? हाँ और क्या, तुम्हें तो मैं बिखरने लगे आपके प्यार में।